बड़ी खबर आपको बता दें, निर्भया केस में फैसला जो है सुरक्षित रख लिया गया है। केंद्र की अपील पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। केंद्र ने अपील की थी जिस पर सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। तो निर्भया केस में एमएचए की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी जिस पर सुनवाई चल रही थी। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी और उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जिस तरीके से इस केस में नए नए मोड़ आते गए हैं और दोषियों को फांसी की सजा मिलने के बावजूद लगातार जो तारीख है जब तय होती है डेथ वारंट पहली बार जारी होता है, उसके बाद दूसरी बार भी डेथ वारंट जारी होता है, लेकिन अभी तक फांसी नहीं दी जा सकी। सिंह साहब, आज केंद्र सरकार की याचिका पे कई बातें कही गई। केंद्र सरकार ने कहा कि लोग लड़कियां जो हैं वो डरती हैं सड़क पर, कि चार दरिंदे घूम रहे हैं, तमाम चीजें कही गई और उन्होंने ये भी कहा कि इन तमाम लोगों को फांसी दी जानी चाहिए। आप लोगों की तरफ से कहा गया कि संविधान ये अधिकार देता है कि जब तक इनकी आखिरी सांस है तब तक ये लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या कुछ कोर्ट में हुआ और आज क्या कुछ दलीलें? देखिए, सबसे पहली बात, भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल और दिल्ली सरकार की दोनों की तरफ से पिटीशन थी, वो ये भूल गए। उन्होंने कह दिया ये दरिंदे रोड पे घूम रहे हैं। कहा ये दरिंदे जिन्हें वर्ड उन्होंने दिया है वो 7.25 साल हो गए जुडिशियल कस्टडी में, जेल में हैं, काल कोठरी में हैं, उन्हें एकांतवास किया गया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किया गया, उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ, उनके साथ सिर फाड़े गए, उनके हाथ पैर तोड़े गए, वो भूल गए सब बातें। ये सारी बातें थी लगातार 7.25 साल से जुडिशियल कस्टडी में, एक की राम सिंह की उसमें मार दिया गया, ये वही है। एक तरफ देखिए चार परिवार है, एक परिवार एक भाई की उसकी मौत हो गई है, चार माओं का दर्द है, अक्षय की भाई, पांच माएं एक तरफ हैं, विक्टिम की माँ एक तरफ है, तो पांच माओं की हालत देखनी है कि एक माँ को रिलीफ देनी है, ये बात है। एक के बदले पांच हत्याएं नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये याद रखिए, चाहे भारत सरकार जोर लगाए चाहे दिल्ली सरकार जोर लगाए। केंद्र सरकार की याचिका पर भी सवाल खड़े किए गए। केंद्र सरकार की याचिका, ना तो वो 2012 में थे, ना 13 में थे, ना 14, 15, 16, 17, 18, 19 में भी केंद्र सरकार नहीं थे। आज वो जब हमारा डेथ वारंट स्टे हो गया, सेनेडाई हो गया, अनिश्चितकालीन के लिए पोस्टपोन हो गया, तब केंद्र सरकार एकदम बाहर आ जाती है, एट्रेंडम आ जाती है। हमारा 6 बजे हमें ऑर्डर मिलता है हमारे अनिश्चितकालीन सेनेडाई होने का डेथ वारंट, और आधा घंटे के बाद पिटीशन बनने लगती है, और शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट खुल जाता है, संडे को सुनवाई चलती है, ये पूरे दिन आधे दिन सुनवाई चलते हो गया है। ये चीज मेरे नहीं समझ में आ रही, भारत सरकार क्या ये नागरिक नहीं है? ये जो पांच माएं हैं इनकी, इन लड़कों की, वो भारत की नागरिक नहीं, वो मतदाता नहीं, वो भारत के संविधान के तहत अट्रैक्ट नहीं होते। एक तरफ तो उनकी बात सुनी जा रही है जो कहते हैं भारत के संविधान को जला देना चाहिए, एक तरफ विक्टिम की मां कहती भारत के संविधान को जला देना चाहिए, और एक तरफ वो परिवार हैं जो भारत के संविधान पर फूल माला चढ़ाना चाहिए, भारत के संविधान को मानना चाहिए, भारत के संविधान में विश्वास रखना चाहिए, न्यायपालिका पर विश्वास रखना चाहिए, देश के सिस्टम पर विश्वास रखना चाहिए। डिले टैक्टिक्स नहीं है कि अभी अक्षय की आपने दया याचिका आपने राष्ट्रपति के यहाँ लगाई है, लेकिन पवन की तरफ से ना तो क्यूरेटिव फाइल की गई है ना मर्सी, इसको कैसे देखेंगे? 31 जनवरी को मैं पूरे दिन आपके साथ पटियाला हाउस कोर्ट था, 31 जनवरी को हमारी पवन की रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में थी, आप लोग भी आश्चर्यचकित थे, आप चाहे कहें ना कहें, 3-3 घंटे में हमारी पिटीशन फाइल होने के बाद क्यों डिफेक्ट हो जाते हैं, फटाफट विदाउट मेंशनिंग, बिना मेंशन किए हुए आगे लग जाती है और अपने आप ऑर्डर आ जाते हैं, ऑर्डर भी हमें मीडिया की तरफ से पता चलते हैं, हमारे सोर्सेस फेल हो जाते हैं, मीडिया के सोर्सेस से ही हमें पता चल पाता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं मीडिया ट्रायल है, पॉलिटिकल ट्रायल है, पब्लिक सेंटीमेंट्स के साथ ट्रायल चल रहा है, ये चीज। विनय का मर्सी पिटीशन डिसमिस हो गया, क्या आप उसको प्रेसिडेंशियल रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल, हमें तो सांस नहीं लेने को मिल रहा है, मेरा सैटरडे खत्म, संडे खत्म, मेरी माँ बीमार, मेरे परिवार में लोग बीमार, और पता नहीं लगता है ये प्रेशर मुझे कहाँ पहुँचा देगा, कहाँ गिरा देगा, इसने तो मेरा एक, लेकिन मैं भी विभक्ति हूँ, आप याद रखिएगा, मैं भी विभक्ति हूँ, आदमी वो नहीं
जो हालात बदल दे उसको आदमी, वो है जो हालात बदल देते हैं। मैं भी उस खून का हूँ, मेरे अंदर भी माता पिता ने, जब माता पिता ने मुझे जन्म दिया तो माथे पे लिख दिया था नॉट फॉर सेल, ना प्रेशर में आऊंगा, ना दबाव में आऊंगा, ना इस तरह से जो हमारे खिलाफ बातें की जाती हैं। आपको पता है सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ चलाया जाता है, सोशल मीडिया पे हमारे, नहीं मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ चलाया जाता है, हमारे परिवार के लिए गलत लिखा जाता है, हमारी बहन बेटियों के लिए गलत लिखा जाता है। कि इसलिए मैं डिफेंस कर रहा हूँ, इसलिए मैं भारत के संविधान को महत्व दे रहा हूँ, इसलिए कि मैं भारत के संविधान के तहत जब आप आतंकवादियों को न्यायिक सुविधाएं देते हैं, न्यायिक सुविधाएं आतंकवादियों को देते हैं, इसलिए जब आरिफ अलियास अशफाक लाल किला बम कांड का आरोपी अभी जिंदा बैठा है, उसकी सारी लीगल रेमेडी निकल गई, सारी एसएलपी डिसमिस हो गई, रिव्यू डिसमिस हो गया, करेक्टिव डिसमिस हो गया, मर्सी पिटीशन डिसमिस हो गई, जब सारा डिसमिस हो गया आरिफ अलियास अशफाक के खिलाफ लाल किला बम कांड, जो पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, जो यहाँ के लोगों का जीवन लेने आया था, उसकी अभी नोटिस कोई दिल्ली सरकार, दिल्ली तिहाड़ जेल नहीं देगी कि उसे फांसी पर चढ़ाना है, लटकाना है। इसलिए वोटों की राजनीति है, चुनाव के लिए सब हो रहा है, लेकिन चुनाव के लिए, चुनाव आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, देश का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इन चार लोगों को फांसी की सजा पे मत चढ़ाइए आप। तो निर्भया के दोषियों के वकील थे जो बातें रख रहे थे, जो बातें कोर्ट में रखी उन्होंने वो बातें रख रहे थे। अब इस बातों में कितनी सच्चाई है ये तो कोर्ट ही परखेगा, लेकिन पक्ष अपना मीडिया के सामने रखते हुए।